माधव नगर क्षेत्र में मंगलवार सुबह से ही नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते सहित पुलिस और प्रशासन की टीम की आमद शुरू हो गई थी। जेसीबी आदि के साथ पूरी टीम संदड़िया कॉलोनी के सामने 6000 वर्ग फीट जमीन पर बिना अनुमति चल रहे अवैध निर्माण को गिराने पहुंची थी। ये वही जगह थी जहां नगर निगम सहित प्रशासन की टीम एक दिन पहले 3 प्लॉटों पर चल रहे अवैध निर्माण को रुकवा कर आई थी। अवैध निर्माण गिराने पहुंची टीम वहां कोई कदम उठा पाती उससे पहले ही वहां इस जमीन को पट्टे पर हासिल करने सोनू कारड़ा, गंगाराम कटारिया और राजेश कटारिया के समर्थक पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच महापौर प्रीति सूरी अपने पति संजीव सूरी के साथ वहां पहुंच गई। उन्होंने ये कहते हुए नगर निगम प्रशासन की टीम की कार्रवाई पर विरोध जताया कि प्रशासन को सरकारी जमीन के कब्जे हटाने नगर निगम का दस्तावेज दिया गया था, न कि पट्टा धारकों के निर्माण कार्य को गिराने के लिए, वो भी तब जबकि एक दिन पहले ही अमला इन निर्माण कार्यों को रुकवा कर आया था। महापौर और उनके पति के बीच प्रशासन के अफसरों से हुई तीखी बहस के बीच अतिक्रमण, कब्जे हटाने के अधिकार और नियम कायदों का मुद्दा भी छिड़ा। टीम के साथ मौके पर मौजूद एसडीएम प्रदीप मिश्रा ने भी दो टूक कहा कि हम यहां नगर निगम प्रशासन के इस सहयोग के आग्रह पर आए हुए हैं। करीब 4 घंटे तक मचे हंगामे और तीखी तकरार के बीच नगर निगम आयुक्त द्वारा अवैध निर्माण गिराने भेजी गई टीम करीब 11:30 बजे बैरंग वापस लौट गई। इस दौरान नगर निगम का भारी भरकम अमला सहित कुटला, माधवनगर, रंगनाथ नगर थाना और महिला पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस समूचे मामले को लेकर निगम आयुक्त विनोद शुक्ला को उनके मोबाइल नंबर पर 3 बार कॉल किया गया, व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा गया, लेकिन उनकी ओर से जवाब नहीं आया। आप एक बार बताइए हमारे किसी ने नक्शा अप्लाई किया है और कोई निर्माण तो नगर निगम जारी कर सकता है तो नहीं, तो फिर ऐसा है नगर निगम।